हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिविल इंजीनियर बेसिक नॉलेज पार्ट 5 के बारे में। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आ चुके हैं, उनमें कई सारे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन कवर कर चुके हैं हम। मैं नहीं चाहता आप ऐसे एक भी वीडियो मिस करें, इसलिए आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या रहेगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप हर वीडियो देख सकते हैं। मेरा अपकमिंग 500 to 600 वीडियो आने वाले हैं रिगार्डिंग बिलिंग इंजीनियर, इसलिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लाइक, कमेंट, शेयर जितना चाहें आप कर सकते हैं, आपका ही चैनल है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील यूज इन RCC स्ट्रक्चर में। इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे कि जैसे आपका पार्ट 5, पार्ट 6 आते जाएगा, आपका स्टैंडर्ड लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चंस का। तो देखिए, ये आपको मालूम होना चाहिए, कहीं आप साइट इंजीनियर हैं या आप डिज़ाइन इंजीनियर हैं, कोई भी आप स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए क्या है ये। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर मेंबर की अगर हम बात करें कौन कौन से रहते हैं। स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग, ये आपके RCC स्ट्रक्चर मेंबर रहते हैं। लिंटल वगैरह ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं इसमें, ठीक है। अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होना चाहिए, देखिए स्लैब में हम कितना परसेंटेज ऑफ स्टील लेते हैं, अगर ये प्रैक्टिकली निकाला हुआ है, ये थंब रूल के बेसिस पे, ऐसा नहीं है ये मैंने आपको किताब से देख के बता रहा हूँ। किताब में वेरियंस रहता है, जैसे कि बीम की अगर हम बात करेंगे 1 to 2% रहता है आपका, कॉलम की बात करेंगे तो 1 to 5% आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रहता है परसेंटेज ऑफ स्टील। अगर फुटिंग की बात करें तो आपका 0.6 to 0.9% रहता है आपका फुटिंग में रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं एक वैल्यू आपको प्रोवाइड करी है अपने एक्सपीरियंस से। देखिए स्लैब में आप कहीं भी जब भी रेनफोर्समेंट निकालेंगे कई भी रूम के लिए तो आपको 1% निकल कर ही आएगा। बीम के लिए रेनफोर्समेंट निकालेंगे तो 2% निकल कर ही आएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए स्लैब में हम बात करें 1% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, सपोज करिए आपका 100 क्यूबिक मीटर का आपका कंक्रीट वॉल्यूम है, तो उसमें कितना स्टील लगेगा स्लैब में, 1 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर का क्या डेंसिटी है, 7850 kg/m³, यानी आपका 7850 kg स्टील लग जाएगा 100 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में स्लैब में। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ बीम की, बीम में आपका 2 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लग जाएगा, यानी करीबन 1500 kg के आसपास, 7850 15000 kg के आसपास आपका वॉल्यूम ऑफ स्टील का वेट लग जाएगा आपका 100 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट में। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कॉलम की, 2.5%, यानी 2.5% किसका रहेगा, कंक्रीट वॉल्यूम का। देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, यानी आपका 100 क्यूबिक मीटर की कंक्रीट है कॉलम की, तो उसमें 2.5% कितना हो गया आपका, 2.5 क्यूबिक मीटर। अब 1 क्यूबिक मीटर की डेंसिटी क्या रहती है आपकी, 7850 स्टील की डेंसिटी रहती है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका निकल कर आएगा यानी 19000 kg के आसपास। तो आप देख सकते हैं 100 क्यूबिक मीटर आपकी कॉन्क्रीट है कॉलम की, तो आपका कहीं ना कहीं 19000 to 20000 kg के आसपास आपका स्टील लगेगा कॉलम में। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं, ये आपको याद भी होना चाहिए। फुटिंग में हमारा 0.8% स्टील लगता है, कई बार आपने देखा है कि फुटिंग में हम नॉर्मल स्टील यूज करते हैं और कहीं ना कहीं कंक्रीट हैवी रहता है हमारा। अगर आप राफ्ट फुटिंग यूज कर रहे हैं, कोई भी फुटिंग यूज कर रहे हैं, तो आपने देखा हुआ, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम बात करें कंक्रीट बेसिक फील्ड वर्क के बारे में। देखिए यहाँ पे बात करेंगे हम स्ट्रेंथ की, कितने डे में कितना कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन कर लेती है। ये इसलिए बताया मैंने, सपोज करिए आप स्लम टेस्ट कर रहे हैं या आप क्यूब टेस्ट कर रहे हैं, क्यूब टेस्ट में मोस्टली यूज होता है इसका, कि आप 3 डे पर टेस्ट लगाते हैं तो कितना स्ट्रेंथ गेन करना चाहिए, 7 डे पर कितना स्ट्रेंथ गेन करना चाहिए, 14 डे पर कितना स्ट्रेंथ गेन करना चाहिए कंक्रीट को, और 20 डे पर कितना स्ट्रेंथ गेन कर लेती है कंक्रीट। सपोज करिए आपका M25 कंक्रीट आप यूज कर रहे हैं, तो आपका 28 डे पर कितना स्ट्रेंथ निकल कर आना चाहिए उसका, 25 के आसपास, यानी 24 भी आ जाएगा तो भी चल जाएगा, और 20 मोस्टली आपका प्लस ही आता है, 26-27 निकल कर ही आता है। आप अच्छा काम करते हैं तो, अगर आप बेड वर्क करते हैं तो आपका 20-18 भी आ जाता है, ठीक है। अगर 14 डे की बात करें तो 90% स्ट्रेंथ गेन करता है हमारा कंक्रीट क्यूब 14 डे में, फिर चाहे कोई भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो। यहाँ पर मैं एक ग्रेड के लिए नहीं बता रहा हूँ, सभी ग्रेड के लिए बता रहा हूँ, M15, M20, M25, चाहे कोई भी ग्रेड हो आपका, M10 क्यों ना हो। ऐसे ही मैं बात करूँ 7 डे पे अगर आपको कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेक करना है, तो आप 25 का 65% निकाल सकते हैं, कोई भी ग्रेड हो उसका 65% आप स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं 7 डे पे, उसके आसपास आपका क्यूब का स्ट्रेंथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है 28 डे बाद ही आप उस कॉलम को तोड़ें, ठीक है। अगर आपका स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है, सपोज करिए कि आपका से M20 का
ग्रेड है आपका, और M70 पे आप टेस्ट कर रहे हैं तो उसका 65 स्ट्रेंथ नहीं आ रहा, उसका स्ट्रेंथ आ रहा है केवल 40% के आसपास, यानी M20 का 40% कितना होगा, कहीं ना कहीं 7 to 8 आ रहा है आपका, ठीक है। तो 7 to 8 आपका आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम उसे तोड़ेंगे, आना चाहिए कितना 13.5 के आसपास। तो इस टाइप से हम चेक करते हैं 24 आवर में कितना स्ट्रेंथ करता है कंक्रीट हमारा, 16%, ठीक है। 48 आवर में यानी 2 दिन में हमारा कितना कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, 30%। 3 डे में हमारा कितना गेन कर लेता है कंक्रीट स्ट्रेंथ, 40%। ये आप याद कर लें कहीं ना कहीं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, मिनिमम साइज ऑफ कॉलम क्या रहता है। देखिए 9 बाई 9 इंची से क्या कम रहेगा आपके साइज ऑफ कॉलम का, ये आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कहीं 6 बाई 6 इंची का कॉलम रहता हो आपको, ये आपने प्रैक्टिकली, आप साइट इंजीनियर है तो आप साइट पर देखते हैं, 9 इंची से कम का कॉलम हम कभी नहीं लेते हैं। 9 बाई 9 इंची का कॉलम तो हम लेना ही लेना है कम से कम, इससे कम नहीं ले सकते हम, ठीक है। इससे ज़्यादा ही जाएगा आपका, 230 बाई 450, 230 बाई 300, 230 बाई 600, 230 बाई 500, 230 बाई 750, जो भी जाए, या 300 mm बाई 600 mm, जो भी 300 बाई 900 mm, कोई भी साइज हो सकता है आपका। ऐसे ही हम बात करते हैं, देखिए डेंसिटी ऑफ ब्रिक, डेंसिटी ऑफ ब्रिक क्या होना चाहिए आपकी, करीबन आपकी 1700 से 1900 kg पर क्यूबिक मीटर के आसपास आपका डेंसिटी ऑफ ब्रिक होना चाहिए, ठीक है। इसे आप याद कर लें, कोई भी पूछ सकता है कि ब्रिक की क्या डेंसिटी रहती है, आपकी स्टील की मालूम है, आपको RCC की डेंसिटी मालूम है, आपको PCC की डेंसिटी मालूम है, तो आपको ब्रिक की डेंसिटी क्यों मालूम नहीं है, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं यहाँ से, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या रहती है, 1000 kg पर क्यूबिक मीटर रहती है। इसका यूज हम करते हैं कि वाटर की कैपेसिटी निकालने के लिए, टैंक की कैपेसिटी निकालने के लिए लीटर में हम यूज करते हैं, कि उसके डायमेंशन ले लें आप, लेंथ वेट हाइट से मल्टीप्लाई करके कितने क्यूबिक मीटर का आपका टैंक है। सपोज करिए आपका 10 क्यूबिक मीटर का टैंक है तो उसमें कितना लीटर पानी आएगा, आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें 1 क्यूबिक मीटर के लिए, तो 10 × 1000 करेंगे यानी 10,000 लीटर पानी आएगा आपका 10 क्यूबिक मीटर में। आप यहाँ से निकाल सकते हैं कोई भी साइज हो आपका, ठीक है। मैं केवल तरीका बता रहा हूँ आपको कैसे निकालना है, आपको कोई भी साइज हो, लेंथ वेट हाइट कर दें आप, क्यूबिक मीटर में आपका वॉल्यूम हो, उसमें आप इतने का मल्टीप्लाई कर दें तो आपका टैंक कैपेसिटी लीटर में निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं 6 पॉइंट की। 6 पॉइंट क्या है आपका, क्लियर कवर फॉर वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि आपका बेसमेंट में रिटेनिंग वॉल है, या आपका कोई भी टैंक है, जैसे कि आपका कौन कौन से टैंक रहते हैं आपके, एक तो ओवरहेड टैंक रहता है, एक आपका अंडरग्राउंड टैंक रहता है, अगर आपका अंडरग्राउंड टैंक है या आपका ओवरहेड टैंक है कोई बात नहीं है, लेकिन वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं, तो 20 से 25 mm आपको कवर लेना है उसमें। यहाँ पे बात करें, 1 फीट में कितना एमएम रहता है, 304.8 mm रहता है, 12 इंच रहता है 1 फीट में, 0.3048 mm रहता है, 30.48 cm रहता है आपका 1 फीट में, ये आप याद कर लें, बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाटा है ये, 1 मीटर में भी आपको याद होना चाहिए, 1 फीट में भी आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, एटलीस्ट वन साइज ऑफ ACC ब्लॉक, कि आपका उसने कहा रिक्वायर किया है मैंने पुरानी साइट पे या ब्लॉक वर्क किया है, तो वो कहेगा आपसे एक साइज ब्लॉक का साइज बता दें, एटलीस्ट आप ACC ब्लॉक का एक साइज, तो कई सारे साइज में अवेलेबल हैं आपके ACC ब्लॉक, 600 बाई 200 बाई 4 इंची में, या आपका 6 इंची का चिनाई है तो 150 में, 600 बाई 200 बाई 150 mm, 600 200 बाई 225 mm, कोई भी साइज आप बता सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि इनके अलावा भी कई सारे साइज में अवेलेबल हैं हमारे AAC ब्लॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस करें। देखने के लिए धन्यवाद।